शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा। बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर संपर्क। मध्य प्रदेश के खंडवा की आम आदमी पार्टी इकाई द्वारा नामांकन होने में आ रही दिक्कतों को लेकर आज तहसील ऑफिस में धरना दिया गया। आइए उन्हीं की जबानी सुनवाते हैं कि किस तरह की तकलीफों का सामना लोग नामांतरण को लेकर कर रहे हैं। आपका दर्ज कर लिया गया है, तहसीलदार के दस्तखत और साथ में आपने 5494 तक का टैक्स भी जमा कर दिया। ये टैक्स की रसीद, ये देखो, ये 94 तक का टैक्स भी जमा कर दिया। अब आदमी आता है कि मैं राज्य शासन को वो टैक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि बोलते टैक्स दे नहीं दे सकता क्योंकि आपका नाम दर्ज ही नहीं है। तो बोले भाई ये कौन ने जारी करा? तो कलेक्टर बोलता है क्या ऐसी तो हम चिड़िया बिठा देते हैं। अरे मेरे को तेरी माँ का ये प्रमाण पत्र ऐसी बात देखो तुम पता है। आप बाबू को भेजें, पैसे देंगे हम, ऐसे कहीं बैठेंगे नहीं आगे बार बार। आप पहले मैं तो मेरा एक 91 में मैंने एक प्लाट खरीदा था जहाँ पर मेरा भवन निर्मित थे ऑलरेडी, और 91 में मैं उसका बाकायदा नजूल कर भर के रसीद लेकर प्रमाण पत्र लेकर नगरपालिका में नामांतरण करा चुका हूँ। और उसमें ऑलरेडी 94 से लेकर अभी तक कितने 28 भवन निर्मित है ऑलरेडी, और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है उसमें। अब मैं अभी कर जमा कराना चाहता हूँ आगे का, पुराने कर से लेकर अभी तक का। तो अभी इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कर जमा करता है। पहले तो मुझसे इनकार कर दिया था, पहले तो मैंने इनसे किया था कि आपका तो नामांतरण ही नहीं हुआ है, जबकि बाकायदा मैं टैक्स जमा कर चुका हूँ, नामांतरण का से संबंधित कोई तहसीलदार का प्रमाण पत्र वो इनको दे चुका हूँ, ले चुका हूँ। और तो इसी कार्यालय से और इसीलिए मैंने एक इनको एक आवेदन दिया कि भाई नामांतरण अगर नहीं हुआ तो ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, आप इनका मेरा नामांतरण कर दीजिए और मेरा टैक्स ले लीजिए। तो वो उस मेरे आवेदन को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं, वो तो आपने पहले कोई आवेदन लगा चुके हैं, आपकी आवेदन निरस्त कर चुके हैं हम, और ऐसा कोई मैंने किसी कोई आवेदन इसके पहले लगाया ही नहीं इनके तहसील कार्यालय में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमरदास उदासी। आप क्या करते हैं? मैं पहले भारतीय वायुसेना में नौकरी कर चुका हूं, वहां से पेंशन होने के बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट में एज ए लेक्चरर रहा, और उसके बाद अभी कुछ वर्षों पहले ही मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूं स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस। तो अभी अब तहसील कार्यालय में आप जो आए हैं इसमें आपको क्या? तहसील कार्यालय में काम नहीं करना है इनको, बगैर ले दिए काम नहीं करना है। मतलब अब वो मुझे या तो मेरे को लिंक नहीं मिली है कि इनके की कैसे दूं, किसको दूं, कितना दूं, क्या दूं, ये बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। नहीं, शायद आपने सही वास्तव में तहसीलदार से सही कम्युनिकेशन नहीं करा, नहीं तो प्रशासन में आए हुए